पोर्शे कार का हादसा सिर्फ हादसा नहीं है, बल्कि हमारे देश के लिए, हमारे देश के कल्चर के लिए और सभी पेरेंट्स के लिए एक मैसेज है। अगर इस मैसेज को आज हम नहीं ले पाए तो वो दिन दूर नहीं कि हम एक देश के तौर पर, एक कल्चर के तौर पर बर्बाद हो जाएंगे। हमें इस बात को पूरी तरीके से याद रखना है कि रशिया का पतन क्यों हुआ, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को मानने वाला रशिया किस तरीके से धराशायी हो गया। हमें याद दिलाती है जॉर्ज ऑरवेल की, जो महान नॉवेलिस्ट रहे और उन्होंने सबसे महान नॉवेल लिख दी जिसका नाम था एनिमल फार्म। और एनिमल फार्म में दी गई बातों का जो कंक्लूजन था, वो कंक्लूजन उन्होंने एक सिंपल सी लाइन में लिख दिया और वो कंक्लूजन ये था कि सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। कुछ प्राणी जो है, ये प्राणियों की कहानी है, कुछ प्राणी ये दूसरे प्राणियों से अधिक इक्वल है, समान है। जो कुछ तय हुआ था उन 10 कमांडमेंट्स में, इन 10 कमांडमेंट्स को धीरे धीरे सत्ताधारी जो एनिमल्स थे, जिनके हाथ में पावर थी, जिनके हाथ में फिनांस था, जिनके हाथ में इकोनॉमी थी, जिनके हाथ में बिजनेस थे, उन एनिमल्स ने एक एक करके उन कमांडमेंट्स को धराशायी कर दिया। और जब आखिरी कमांडमेंट चला तो उन्होंने हिजीमनी के तौर पर इस बात को ले लिया और कहा कि सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। ये स्टेटमेंट हमें याद दिलाता है कि पोर्शे कार का हादसा होने के फौरन बाद जो कुछ जुडिशियरी ने किया वो बहुत हद तक गलत था। गलत इसलिए कि कुछ एनिमल्स के लिए, कुछ लोगों के लिए कायदा कानून कुछ अलग तरीके से काम तो नहीं करता है। कुछ इस तरह का डाउट इस देश के 140 करोड़ जनता के दिमाग में आ सकता है। और ये स्टेटमेंट हमें याद दिला सकता है इस बात का कि क्या हुआ था रशिया में, सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। एक ठेले वाले ने अगर कोई गलती कर दी तो इस ठेले वाले को शुक्रवार को अगर सजा होती है या पुलिस पकड़कर लेकर जाती है, और शनिवार को अगर छुट्टी है तो शनिचर और संडे के दिन उसके मामले को लेकर कोई भी बात नहीं होती है। मगर इस मामले में हम देखते हैं कि संडे होने के बावजूद इस लड़के की, जो 17 साल और 8 साल का है, जिसे अब नाबालिग नहीं कहा जा सकता किन्हीं खास किस्म के क्राइम्स में, अगर उम्र 18 साल न होने के बावजूद भी उन्हें बालिग करार देकर वही सारी बातें, वही सारी सजा सुनाई जानी चाहिए, ऐसा कायदा हमारे देश में हुआ है। लेकिन इस पोर्शे कार के मालिक का जो लड़का है, जिसकी 18 साल उम्र होने में सिर्फ और सिर्फ 4 महीने बचे हैं, उसे नाबालिग करार देते हुए, एमैच्योर करार देते हुए बहुत ही साधारण सी शिक्षाएं उसे दी गई, जैसे निबंध लिखने को लेकर कुछ शिक्षा दी गई। दो बातें बहुत जरूरी चाहिए पूरे सोशल मीडिया में कि एक ऐसे राइटिंग करना है 300 शब्दों में, और दूसरी बात एक रैप सॉन्ग चल रहा है। इन दोनों बातों की तरफ हमें बहुत खास अंदाज से इसलिए देखना है कि समाज के तौर पर, देश के तौर पर, न्याय व्यवस्था के तौर पर, पेरेंट्स के तौर पर और एक ह्यूमन होने के तौर पर कहीं हम अपना रास्ता भटक तो नहीं जा रहे हैं। और इनके साथ एक बात और आई है कि इस बच्चे ने, ऐसा कहा जाता है कि डीप फेक भी हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, ये शायद डीप फेक हो, लेकिन सोशल मीडिया पर इस एक्सीडेंट के बाद इस लड़के के कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं। और ये होने वाली जो वीडियोस है, ये वीडियोस मानसिकता का चित्रण कर रहे हैं, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंटेलिटी ऑफ द बोमॉन्ड। बोमॉन्ड बने तो अपर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी, फिनेंशियली, इकोनॉमिकली अपर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी के लोगों की मेंटेलिटी को बताता है ये
वीडियो जो अब तक साबित नहीं हुआ है कि एक्चुअली वेदर दिस वीडियो वाज मेड बाय द बॉय और नॉट, लेकिन अगर ये डीप फेक भी है, अगर ये वीडियो उस लड़के ने नहीं भी बनाया है, इसके बावजूद भी जिस किसी ने बनाया है उस इंसान ने ये बहुमौन मेंटेलिटी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, इसका मतलब देश में कहीं ना कहीं बहुत अनकॉन्शियस माइंड में ये बात चल रही है कि आप अगर अमीर हो और आप अगर गुनाह करते हो तो आपका इस देश में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस मानसिकता को अगर हमें दूर रखना है और 140 करोड़ जनता को अगर भरोसा दिलाना है तो एक सही तरीके से जुडिशियरी में काम करना आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है, चाहे गुनाह छोटा हो या बड़ा, लेकिन इसका असर समाज की मानसिकता पर बहुत बड़े तौर पर होता है। हमारे देश में कतई अब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स, कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल्स से ज्यादा इक्वल है। अगर ऐसा लगता है तो वो दिन दूर नहीं कि बहुत बड़ी जनता, द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दोज हु लीव अ वेरी मिजरेबल लाइफ, जो बहुत ही बुरी जिंदगी जीते हैं, वो अपने ही लोगों से जो कम लोग हैं, फिनेंशियली स्ट्रांग है, वो बिजनेस ग्रुप में होने वाले हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में होने वाले हो सकते हैं, इनके खिलाफ मेजॉरिटी वाले लोग बगावत कर देंगे और देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए ये बात बिल्कुल सही नहीं है। तो दोस्तों, ये पोर्शे का जो हादसा है, हमेशा कुछ इस तरीके के हादसे होते रहते हैं और तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दी जाती है, होता कुछ नहीं है। ऐसा हमने सलमान खान के मामले में भी देखा है। सलमान खान के मामले में जो हुआ, हिट एंड रन हुआ और उसके बाद कहा गया कि सलमान खान वॉज नॉट एक्चुअली ड्राइविंग द कार, कुछ इसी तरह का नरेशन अब इस केस में भी आ रहा है कि वो लड़का ड्राइव नहीं कर रहा था बल्कि उसका ड्राइवर गाड़ी को चला रहा था। सलमान खान का पैटर्न इस्तेमाल करने की भी कोशिश की गई है इस लड़के को बचाने के लिए। अब सबसे अहम मुद्दा आता है जिसको बस मैं छू कर चला जाने वाला हूँ कि हमारे बच्चे पब में जाए ये कहाँ तक सही है। हर पेरेंट को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, अगर अमीर के बच्चे पब में जा रहे हैं तो गरीबों के बच्चे भी रात रात भर जाकर मोबाइल्स में खेल रहे हैं, कहीं बाहर घूम रहे हैं, नाइट आउट हम जिसे कहते हैं, इसको तो अजीब तरह का कल्चर हमारे देश में भी आता जा रहा है, कुछ इस तरह की बातें हमारे देश में भी हो रही हैं। हमारा बच्चा 10 बजे 11 बजे 12 बजे के पहले घर पर आना बहुत ज़रूरी है, जबकि वो किसी काम के लिए अगर बाहर नहीं जाता है तो ये पेरेंटिंग का इशू है। और सबसे इम्पोर्टेंट इशू है कि कल्चर का मॉडिफिकेशन होना चाहिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एक देश के तौर पर, एक समाज के तौर पर, एक फैमिली के तौर पर, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे कल्चर का मॉडिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे देश के कल्चर का मॉडिफिकेशन नहीं बल्कि कमोडिफिकेशन होता जा रहा है। कमोडिफिकेशन का मतलब होता है वस्तुकरण होता जा रहा है, चीजीकरण होता जा रहा है और हम मॉडर्निटी के तौर पर कुछ इस तरीके से इल सिंसियर और इनसेंसिबल हो गए हैं। हम पोस्ट मॉडर्निटी के तौर पर कुछ इस तरीके से इल सेंसिबल हो गए हैं कि अब हमें किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता है। कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं, 4-8 दिन मीडिया में बातें चलती हैं, मीडिया अपने TRP को मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए इस बात को 4-8 दिन तक चलाता है। बाद में कोई इस बात का ना तो फॉलोअप लेता है, ना फीडबैक लेता है, ना समाज के तौर पर हमारे ऊपर कोई इसका अच्छा बुरा असर हो पाता है। अगर हम चाहते हैं कि एक समाज के तौर पर, एक देश के तौर पर, एक राष्ट्र के तौर पर, एक फैमिली के तौर पर, पेरेंट्स के तौर पर और एज ए ह्यूमन होने के नाते हमने एक बेहतर ज़िंदगी जीनी है, एक बेहतर ज़िंदगी देनी है, तो बहुत ज़रूरी है कि पोर्शे कार का हादसा हमारे लिए एक सबक बनकर सामने आए और हम पेरेंट के नाते अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें।
हम नागरिक होने के नाते हमारे कल्चर की तरफ ध्यान दें, हम सत्ता में रहने वाले पॉलिटिशियंस और पावरफुल पीपल होने के नाते हमारे देश की तरफ ध्यान दें, और कुल मिलाकर जो बढ़ने वाली आबादी है, ये बढ़ने वाली आबादी हमारे लिए एक एसेट बने, ना कि एक लायबिलिटी बनकर इस समाज को, इस देश को, इस कल्चर को, इस फैमिली सिस्टम को तोड़ने वाली पॉपुलेशन बन जाए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को आज खत्म करता हूँ। पोर्शे कल्चर फिर एक बार दोहराता हूँ, इट शुड नॉट बिकम द मैटर ऑफ सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स, अदरवाइज वी शैल रिग्रेट वन डे सुनर और लेटर। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एज सच। थैंक यू वेरी मच।